वर्दी पहनकर झोला छाप डॉक्टर को अपहरण करने वाले दो बदमाश गिरफ्तार। एसपी ने किया खुलासा। अमरोहा देहात क्षेत्र के गांव केलसा से बीती 11 अगस्त को झोला छाप डॉक्टर पंकज विश्वास का अपहरण कर लिया गया था, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन तांडा ने बताया कि कमल नाम का एक बदमाश जो काफी शातिर है, उसने पुलिस की वर्दी पहनकर अपने तीन और दोस्तों के साथ लेकर झोला छाप डॉक्टर पंकज विश्वास का अपहरण किया था, जिसके बाद झोला छाप डॉक्टर पंकज विश्वास से फिरौती की रकम को लेकर सौदेबाजी भी हुई थी। पर पुलिस के बढ़ते दबाव के चलते अपहरणकर्ता कमल और हेमराज आदि ने झोला छाप डॉक्टर पंकज विश्वास को उसके रिश्तेदार के घर छोड़ दिया था, लेकिन खुद फरार हो गए थे। उन्हीं में से दो बदमाशों को आज चेकिंग के दौरान थाना देहात पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से एक आरोपी कमल के पैर में गोली लगी है और उसके साथ ही एक पुलिस का सिपाही भी गोली लगने से घायल हुआ है। इस मुठभेड़ में पुलिस ने कमल और हेमराज नाम के दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि इनका तीसरा साथी अभी फरार है। जी, आज मुठभेड़ में दो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है और इसमें यह अभियुक्त और जो गाड़ी जिनसे बरामद हुई है वो 11 तारीख को एक व्यक्ति का अपहरण हुआ था अमरोहा देहात थाने में, उसमें वांछित थे। इसमें जब इनसे पूछताछ की गई और जो अभी तक की हमारी विवेचना है, जो साक्ष्य सामने आए हैं, उसमें यह ज्ञात हुआ है कि यह चार लोगों ने मिलकर 11 तारीख की रात्रि में 9 बजे इनके घर से इनका अपहरण किया था और इसमें एक व्यक्ति ने पुलिस की वर्दी धारण की थी और एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर बना था सादे कपड़ों में, और इन्होंने गलत इलाज करने के नाम पे इनको डरा धमका कर गाड़ी में बिठाया और ले गए इनको अपहरण करके। बाद में इन्होंने फर्जी दरोगा बनकर फ़ोन के माध्यम से 2 लाख रुपए की मांग की इनको छोड़ने के लिए। ये सब देखते हुए जो गाड़ी का नंबर था वो और जो मोबाइल फ़ोन था उसका सर्विलेंस देखकर हमने अपना टीमें लगाई, जिसमें कि पुलिस की कार्यवाही तत्परता से करते हुए इनके कुछ संदिग्ध परिजन थे उनको हमने हिरासत में लिया था, जिसपे दबाव बनने के बाद इन्होंने जो अपहृत व्यक्ति है उसे छोड़ दिया था। फिलहाल इसमें ये चीज़ें सामने आई हैं कि जो गाड़ी है वो नीटू नामक एक व्यक्ति है, रामपुर का रहने वाला, उसकी गाड़ी थी जिसे कि उसने नोएडा से ख़रीदा था 1.5 साल पहले और उसे प्रयोग किया गया, और एक कमल नाम का अभियुक्त था जिस पे 24 से ज़्यादा मुकदमे हैं और 5-6 बार जेल जा चुका है। उसने पुलिस की वर्दी धारण करके सिपाही बना था, और जो एक हेमराज नामक व्यक्ति है वो दरोगा बनकर ये कांड में शामिल हुआ था। ये सभी जो हैं कटघर मुरादाबाद के रहने वाले हैं और इन सभी का आपस में आपराधिक इतिहास रहा है काफ़ी लंबा। कमल और हेमराज जो हैं वो पूर्व में रामपुर जेल में बंद रहे हैं साथ में, वहीं इन दोनों की जानकारी हुई और वहीं से इनका साथ हुआ। और ये इनमें से जो अपराधी हैं उनमें से एक अपराधी को गोली लगी है, वो गिरफ्तार हुआ है, एक फिलहाल फरार है और बाकी दो पुलिस की हिरासत।